मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं प्रीत नगर निवासी हूँ। पूरा मामला की मेरा मामला बड़े दिनों से चलता पे, नाजायज मेरी कंध पे कब्जा करके रेंदे पाई थी कुंडी पाके। मैं SHO साहब नू दो बार दरखास्त भी दे चुके हैं बाबे दे नाल, बाबा हरदेव सिंह जी के नाल लाके, मेरी कोई कार्रवाई तो उस वक्त भी मांग नहीं हुई। ए नाजायज, आज मैं घर से बाबा जी के घरे मत्था टेक के अपने घरे गया, मैं घरे जाके अंदर वड़िया ही अभी खाली अंदर जाके पानी भी नहीं पीता। मेरे रूप बाहर आया तो गाली गलोच चलती पई थी, मैं देखा कौन है बुआ खोल के, देखा तो मेरे गुआंडी गाली गलोच कर दे पाए। मैंने कहा कि मैं कुछ बोला, मैंने मेरे बुए दे क्यों गाली गलोच कर दे पे हो, कहते उन्होंने फड़ के मैनू तीना ने प्यो ने पुत्र दोनों पुत्र मैनू मार दे पे। वीडियो बनाई तो मेरी घर वाली नू भी मारिया, आप बीती है आप पूछ सकते हो। नहीं तो ताडे ना की कीता, खुद मार बड़ी की, मेरा केस दुमाला, मेरा नियंग सिंह हाँ, मेरा केस दुमाला बेद भी की, केस आदि बेद भी की है, वीडियो मेरे नाल है। तो की मांग की कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि यहाँ पंजाब में आके हमारी पवित्र धरती पे आके भी हमारे मेरे पर्चे की मांग कर दें, पर मेरे केसा दी जो बेद भी करते पे हैं इन्हों बेद भी का मतलब जानते हैं होंगी की केस, इन्हों पता है कि हिंदू धर्म बचाया कि ना भाजी। ए वो चीज है जो पंडित दादे चक्कर थे हमारे प्यो गुरु तेग बहादुर जी ने शीश मारिया, और आज ये पंडित मेरे बेद भी नहीं करते पे, मेरे प्यो की बेद भी करते पे। मैं इन्हें तो जो भी उचित बनती कार्रवाई की जाए, मेरी यही मांग है। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अमनप्रीत कौर है। हम लोग घर गए हैं, अभी सवेरे से हम घर पे नहीं थे, अभी घर गए हैं। जैसे घर गए बाहर चार पांच लोग खड़े हुए थे, हम पहले अंदर चले गए, हमें शीदे साहब जाना था मत्था टेकने। जैसे अंदर गए तो बाहर गाली गलौज की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। ये बच्चा मेरा छोटा ही है 7 महीने का, उसको लेके जैसे ये बाहर निकले तो वो उसका पहले छोटा वाला बेटा गाली गलौज करने लग गया। जब इन्होंने बोला कि गाली मत कर मत निकाल गाली, तो दोनों को उसके उसका जो प्यो है वो तो उसका बड़ा वक्त बेटा दोनों इतना मोटा डंडा लेके वो आगे बोलते आज इसको बताना है, आज इसको बताना है, इस तरह से करके मारकूट करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो तीनों तो बाप बेटे वो थे, तो जब मैं वीडियो बनाने लगी जिस तरह से उसकी बेटी और वो उसकी जो घर वाली थी वो आके उन्होंने मेरे को पकड़ के और मेरे से फोन छीन के कि ये वीडियो बना रही आज इसका फोन तोड़ देना, फोन तोड़ देना, मेरे से फोन जबरदस्ती छीना झपटी करके लेके भाग गए। जब ये फोन लेने के लिए गए इन्होंने जबरदस्ती उनसे फोन छीना है। लगता है कि केसा दी बेद भी हुई है। हाँ जी केशों की बेद भी हुई है। की मांग की करे कुछ ऐसे, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। पर्चा करो उनको, हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरा नाम जहेदार बाबा हरदेव सिंह जी, जहेदार बाबा हरदेव सिंह जी डेरा मुखी गुरद्वारा साहब भाई संगत सिंह। बाबा जी कितना वेख रहे बेअदबी जी वधदियां जा रही ने? हाँ जी ये बेअदबियां तो वधदियां जा रही जी, ये पुलिस अफसर थोड़ी जी ढिल दे रहे ने जी, ता कारण जा रही ने। काफ़ी समा हो गया इतने इन्होंने अपना राजीनामे की मांग की थी, तो मैं इन्होंने आख्या राजीनामा कर लो, पर इन्हें राजीनामा नहीं किया, अज इन्हे उत्ते हमला कर दिता गया है। तो ता करके इन्हे कार्रवाई की मांग करते हैं आप, इन्होंने जे केसा की बेदबी की सिख इतिहास की, इन्होंने उत्ते आप परचे की मांग कर रहे हैं भाई, इन्हों के उत्ते सारे परिवार के उत्ते परचे की मांग आ, परचा किया जाना चाहिए तो इंसाफ होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी अगली अगले फिर जहेबंदी करूगी जी, अगे जे कार्रवाई नहीं होएगी फिर जहेबंदी करूगी। सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है जी, बिल्कुल। आप देखो जी शहीदा का इतिहास बड़ा वड्डा है, जिन्हें शहीदा ने धरती को याद कराया आप भुल के बैठे हुए हैं, शहीदा दियाँ बहुत कुरबानियां ने जिहड़ियां आप चेता नहीं कुरबानियों का कर रहे, तो सिख इतिहास के आप गुरु तेग बहादुर पातशाह ने किड्डी वड्डी देन दित्ती आ एक संगतां नूं, उन्हां वास्ते सारा बलिदान दिता, बड़ा कुछ उन्होंने वास्ते किया गया जनता वास्ते जी। लगता कि प्रशासन मिले मिले जी, अगे कई बार मिल चुके हैं जी, तो उन्होंने भरोसा दवाया, उन्होंने भरोसा यह दवाया जी परशोत्तम इंचार्ज साहब आ, परशोत्तम इंचार्ज साहब चौंकी इंचार्ज, उन्हें कहा कि बाबा जी इन्हों का फैसला करा दो, पर फैसले जाए नहीं गए, तो अज ये इन दूजी दोषी पार्टी ने उन्होंने हमला कर दिता गया, तो इन्हों के उत्ते मंग की कार्रवाई की मांग करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ये मामला जी अमर अपना अमरदीप सिंह जिहड़ा हैगा अमरदीप सिंह खालसा, इन्हें आण के दरखास्त दी है, इन्हों के नाल जिहड़े हैगे नवदीप नवीन चोपड़ा रहिंदे इन्हां दे आपस विच,
ਕੋਈ ਕੰਧ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਪੱਗ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਗ ਵੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਵੀ ਫੜੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ 4 ਇੰਚੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ।